ऑल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित हुई राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में सहारनपुर के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर अपने सहारनपुर का नाम रोशन किया। दरअसल 23 से 26 मई 2024 को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सब जूनियर और जूनियर बालक बालिका राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रदेश भर से 500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें सहारनपुर की टीम की तरफ से 11 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 36 किलोग्राम भार वर्ग में अक्षत पाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुरक्षित किया। इसी क्रम में 30 किलोग्राम भार वर्ग में वंश कुमार ने रजत पदक पर कब्जा किया और 33 किलोग्राम भार वर्ग में अदिति पाल ने कांस्य पदक जीता है। ये खेल प्रतियोगिता सब जूनियर और जूनियर लेवल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 23 से 26 मई को आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से 500 खिलाड़ियों ने लगभग प्रतिभाग किया। जनपद सहारनपुर की टीम से 11 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से 7 पदक लेके हम लोग लौटे हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि सहारनपुर के हमारे वुशु के खिलाड़ी अभी हाल ही में हुई लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर सहारनपुर की तरफ से गए थे, जिसमें इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल हमारे यहाँ के खिलाड़ियों ने जीते हैं और एसोसिएशन के द्वारा ये बच्चे यहाँ पर गए थे और हो सकता है इसके अंदर इनका कैंप लगे और आगे जाके ये नेशनल जो गोल्ड आए हैं वो लोग नेशनल तक प्रतिभाग करें। रायबरेली में करणी सेना के कार्यकर्ता जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन दिया। करणी सेना के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में अवैध कटान जोरों पर चल रहा है, जिससे के खिलाफ अब करणी सेना लड़ाई लड़ेगी। लखनऊ मंडल के अध्यक्ष ऋषि सिंह ने कहा कि संगठन अब अवैध आरा के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, क्योंकि अधिकारियों के और पुलिसकर्मियों के संरक्षण में हरियाली का हनन हो रहा है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। और हमारी पूरी टीम मोनू भाई जिलाध्यक्ष करणी सेना है, हम लोग जिलाधिकारी को सूचना देने गए थे, ज्ञापन देने गए थे कि जिस प्रकार से सरकारी दलालों द्वारा पूरे क्षेत्र में कटाई कराई जा रही है, बहुत ही दुखद है मानव जीवन के लिए और जंगल में रह रहे जीवों के लिए, पूरी तरह से सभी नष्ट होते जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग एक मांग ये है सरकार से कि जिस प्रकार से पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में अधिकारियों के द्वारा दलाली करके। अमेठी में महिला सशक्तिकरण की उड़ी धज्जिया। जमीनी विवाद को लेकर युवक ने घर में घुसकर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला समेत 2 लड़कियों को पीटा। एक पक्ष की ही 4 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। युवक द्वारा महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। जामो थाना क्षेत्र के पूरे सुबेदार चौक के पुरवा गांव का ही पूरा मामला है। रायबरेली जिला जेल में निरुद्ध महिला बंदी की मौत हो गई। महिला दहेज अधिनियम की धाराओं में सजा काट रही थी। महिला को जिला जेल से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला को दहेज अधिनियम के तहत 2022 में सुप्रीम कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के बाद निरुद्ध किया गया। जगतपुर की रहने वाली 78 वर्षीय महिला सूरजवती की जेल में अचानक तबियत खराब होने के बाद अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। महोबा में पकड़ा गया नकली नोटों का जखीरा। बाजार में नकली नोट पर पहुंचने की थी तैयारी। 15 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया। शातिर अभियुक्त को पुलिस ने नकली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। नकली नोट सहित नोट छापने के प्रिंटर, पेपर लिंक और 3 मोबाइल और 1 बाइक बरामद हुई है। गाजीपुर का निवासी है शातिर अभियुक्त अंकुर कुमार। उत्तराखंड में किसान संगठन को मजबूत करने के लिए अराजनैतिक किसान यूनियन संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत में शामिल हो गए। जनसभा में किसानों ने कहा कि राज्य उत्तराखंड सरकार किसानों का शोषण करने में जुटी है। सरकार किसानों की फसलों का उचित मेहनताना नहीं दे रही। पिछले साल जनपद हरिद्वार में आई आपदा ने किसानों की कई हजार एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। किसानों को मजबूत करो, एक आंदोलन देश में फिर होगा। देखो आंदोलन यह होगा, हमारे इशू है कि सरकार किसी भी पार्टी की बने, कर्जा माफी सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा हुआ, संपूर्ण कर्जा माफी पूरे देश भर का, MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और भूमि अधिग्रहण, जो इन्होंने मॉडल एक्ट बनाया भूमि अधिग्रहण का कि स्टेट को पावर दे दी स्टेट के। जांच के नाम पर महिला मरीज और उसके परिजनों को इधर से उधर भगाता रहा जिला अस्पताल का स्टाफ। शिवपुरी जिला अस्पताल में महिला मरीज और उसके परिजनों को जांच के नाम पर अस्पताल स्टाफ इधर से उधर भगाने में आरोप में महिला मरीज के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। महिला मरीज के बेटे अतुल बंसल और
विष्णु बंसल ने जानकारी देते हुए कहा कि उसकी मां को सुबह बीपी चक्कर और घबराहट की शिकायत हुई तो उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने जांच कराने को बोला। जब वो मरीज को लेकर जांच कराने 31 नंबर रूम के सामने हॉल में गए तो उनसे कहा गया कि अभी कोई नहीं है, आप आईसीयू वार्ड में जाकर जाँच करा लो। उसके बाद वो आईसीयू वार्ड में मरीज को लेकर पहुंचे तो वहां भी मौजूद नर्स ने काम करने का हवाला देते हुए फिर से 31 रूम नंबर के सामने वाले हॉल में भेज दिया, जहां से उन्हें कई बार आईसीयू और हॉल में भटकना पड़ा। अभी मैं मेरी मम्मी को लेकर आया था 7:50 पे, मैंने पर्चा भी बनवा लिया था, मैं डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर मम्मी को बीपी की शिकायत हो रही थी और चक्कर आ रहे थे, घबराहट हो रही थी, मैं मम्मी को लेकर डॉक्टर साहब के यहाँ पे गया तो डॉक्टर साहब ने जांच लिख दी। मैं सिस्टर के पास गया हॉल में, तो हाँ ट्रामा सेंटर में वहाँ गया था मैं। उसके बाद मैंने सिस्टर से बोला कि मम्मी का बीपी और ये चेक कर दो, जांच लिखिए जो डॉक्टर साहब ने, उन्होंने बोला कि 31 नंबर के सामने जो हॉल है उसमें आप चले जाओ। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मेरे से बोला गया कि अभी सिस्टर नहीं आई है। सुबह में बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हैं, प्रचंड गर्मी के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दरअसल ये मामला है राजकीय मेडिकल कॉलेज का, जहां हीट वेव के चलते लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इमरजेंसी वार्ड के सभी बेड फुल हो चुके हैं और बेचारे मरीज अस्पताल में इधर उधर इलाज कराने को मजबूर है। अस्पताल में आए मरीज और तीमारदार परेशान है, जो जहाँ पा रहा है वहीं अपना इलाज करवा रहा है। क्या दिक्कत है? बिटिया को 3 दिन से लेटरिंग आ रही है, यहाँ इमरजेंसी में भर्ती किए हैं, काफ़ी देर बाद हमको भर्ती भी मिली, अब हाथ में बोतल पकड़ा दिए हैं, 1 घंटे से हम लिए खड़े हैं। क्या बोले आप? अभी खड़े रहिए, अभी 2-3 और हैं, आ जाएंगे फिर साथ में चलेंगे। जगह नहीं लिया? नहीं। किसी से शिकायत किया आपने? नहीं, अभी नहीं किए। कब से लाके भर्ती किए? यहाँ सुबह आए हैं 11 बजे। इनका नाम विजय हमारे सुमित्रा सिंह। क्या दिक्कत हुई है दादा को? दादा दिक्कत यह है कि इनसे खाना हल्त ना ले तो और खात नहीं ना, इससे पारा है। अच्छा। बस खाली खाना ना खाता है, कुछ ना मुँह में दावत ना कुछ है। 8 दिन हो गया इससे पारा, खाली पानी के धावा लगाता है, पानी पिया था। 8 दिन से यहाँ पे? हाँ, 9-8 दिन से इतना डॉक्टर साहब मतलब हटा देते थे, ले जाओ मतलब पुरनिया हो गए हैं। हमले जो है डायरिया के पेशेंट पे आ रहे हैं यहाँ पे। भैया क्या नाम है आपका? संतोष नाम है हमारा। कैसे पेशेंट आ रहे हैं? ज़्यादातर जो है जैसे डायरिया, पेट में दर्द या उल्टी वल्टी, यही हाल है, ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। किस वजह से है? ज़्यादातर धूप जो टेम्परेचर की वजह से है अपना। यस। जी लोग खत्म हुए सुबह से, ये तो मैं नहीं जानता। खबर उन्नाव से, जहाँ आशा बहुओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए कहा कि काम के नाम पर अधिकारी द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, क्षमता से ज्यादा काम कराया जा रहा है, जिसका कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, समय पर उन्हें पेमेंट भी नहीं मिलता, जिसके चलते वो परेशान है। आधा सैकड़ा से ज्यादा आशा बहुओं ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारा मेन मुद्दा ये है सर कि जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तो हमें ये बताया गया था कि आपको डिलीवरी कराना है, बच्चों का टीकाकरण कराना है, अन्य का और ज़्यादा अन्य कार्य नहीं दिए गए थे, लेकिन ज्वाइन होने के बाद हमारे अधिकारियों द्वारा हमें ऐसे काम और ज़बरदस्ती के थोपे जा रहे हैं जो हम लोगों के उसमें नहीं हैं, नहीं आते हैं। आभा कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, PMVI के फॉर्म भरना और घर घर मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम लोगों के अंडर में नहीं आते, फिर भी हम लोगों से ज़बरदस्ती कराए जा रहे हैं। हम लोगों को ऑफलाइन पंजीकरण 1 जून से शुरू किया जाना है। चार धाम यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था को जायजा लेने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के शुक्ल स्थित चार धाम यात्रा ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया और मांग के तहत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा ऑफलाइन पंजीकरण के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 1500 यात्रियों का कोटा तय किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि परिस्थितियों के अनुसार यात्रियों के कोटे को घटाया बढ़ाया जा सकता है। चारधाम यात्रा में हमारा ऑनलाइन के अतिरिक्त जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, जब शुरुआत के धाम दिनों में हमारे चारों धामों में भीड़ ज़्यादा हुई तो यात्रियों के सुरक्षा और उनकी सुगमता के दृष्टिगत उसको टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया था और यह स्थगन 31 मई तक का था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की गई और उनकी शीर्ष प्राथमिकता बस केवल यही थी कि जो भी यात्री आए उनको दर्शन का लाभ मिले, लेकिन उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और उन्होंने फिर ये निर्देश दिए थे कि राजधानी दिल्ली की 30 तारीख कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। बरेली में मीडिया की गाड़ी पार्किंग कहां होगी और मीडिया रूम में क्या सेवाएं होंगी, इसको लेकर लगातार वार्ता की गई। SSP बरेली ने वार्ता में बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। कल
मतदान को लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा मतगणना की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानपुर महानगर के काकादेवा थाना क्षेत्र के पांडव नगर से उत्कर्ष चंदेल के मकान में दो बुजुर्ग महिलाएं, जिनमें एक का नाम प्रेमा चंदेल है और दूसरी सुमन चंदेल, सेकंड फ्लोर पर रहती थी और बाकी परिवार के लोग थर्ड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। सुबह रोज की तरह सब्जी विक्रेता सब्जी देने के लिए आए, काफी देर तक खड़े होने के बावजूद जब प्रेमा चंदेल और सुमन चंदेल ने सब्जी लेने के लिए नहीं आए तो सब्जी विक्रेता ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो प्रेमा चंदेल का शव जमीन पड़ा दिखाई दिया, जिसकी सूचना सब्जी विक्रेता ने उनके परिजनों को दिया। आनंद फान में परिजनों ने जाकर देखा तो प्रेमा चंदेल और सुमन चंदेल का शव एक दूसरे से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें कि शव लॉन्ड्री और किचन के पास सुमन चंदेल का शव पड़ा था। परिजनों ने थाना काकादेव पुलिस को सूचना दी, मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है, दोनों बुजुर्ग महिलाओं के मौत का पता लगा रही है। वहीं दो महिलाओं का शव संदिग्ध पर मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। चंदेल पांडव नगर पुलिस स्टेशन काकादेव में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर देखा गया तो जिसमें दो महिलाएं प्रेमा चंदेल और सुमन चंदेल जो कि मकान के सेकंड फ्लोर में रह रही थी, नीचे के फ्लोर में ही इन्हीं के परिवार के लोग रहते हैं और जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी इन्हीं का परिवार रहता है। सब्जी वाला आया तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार का कहना है कि वो नहीं मानते कि हिंदू खतरे में है, लेकिन प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति की जो रिपोर्ट सामने आई इसमें जो संख्या संतुलन हो रहा है इसके लिए ज्यादा बच्चे घुसपैठ और कन्वर्जन, इन समस्याओं का निराकरण करना होगा। हमें इसे समझना होगा, जागृति लानी होगी, जागरूक करना होगा। एक बच्चा नहीं, कम से कम तो बच्चे दो होने चाहिए। सरकार को भी इसको लेकर उपयुक्त कानून बनाना चाहिए। राम मंदिर के बाद काशी मथुरा के लिए उनका कहना है कि ये मामले कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे और उम्मीद है कि हमारे पक्ष में आएंगे। साथ ही स्पष्ट किया कि राम मंदिर का निर्माण चुनाव में लाभ के लिए नहीं किया गया था और राम मंदिर की पहली मंजिल का कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। खतरे में हिंदू खतरे में, इस तरह की चीजें सुनने में, तो आखिर किस तरह हिंदू खतरे में? खतरे में ऐसा मैं नहीं मानता, पर जिन बातों की चिंता करके उपाय ढूंढना है उसमें प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है कि 1950 से 2015 इन 65 सालों में मुसलमानों की आबादी 7.8% बढ़ी है, मुसलमानों की आबादी। खबर कानपुर से, जहां अपर पुलिस महानिदेशक जेएन सिंह कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे, जहां प्रभारी निरीक्षक जेआरपी और कानपुर सेंट्रल अली शर्मा की मौजूदगी में सेंट्रल के शास्त्रागार और मालखाना बारेक और जीडी का निरीक्षण किया गया, जहां लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के साथ ही कहा गया कि गर्मी का सीजन लोगों के घूमने का समय होता है, हर एक यात्री का सफर सुरक्षित रहे इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आउटरो पर विशेष निगाहें हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने और चारधाम यात्रा पर यात्रियों के जाने में हो रही परेशानी और ट्रैवल व्यवसायियों के ठप होता व्यवसाय से नाराज संयुक्त ट्रैवल्स कारोबारी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्रैवल कारोबारी ने हरिद्वार की मायापुर पार्किंग क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग की। देखिए, यात्रा अभी शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 10 मई से यात्रा शुरू हुई थी और आप देख पा रहे हैं कि यात्रा पूर्णतः विफल हो गई है। यात्री भी परेशान हो रहा है, यात्रियों का उत्पीड़न हो रहा है। जो यात्री चारधाम यात्रा पर पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं उन्हें हरिद्वार से, ऋषिकेश से, नारसन बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरा जो टूरिज्म सेक्टर है वो इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, चाहे वो गाड़ी वाले हों, होटल वाले हों, ट्रैवल व्यवसायी हों, सब पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो हमारी प्रदेश की छवि है वो भी धूमिल हो रही है, हरिद्वार की छवि धूमिल हो रही है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे देख रहे हैं इस साल चारधाम यात्रा शुरुआत से ही कई तरह के मुद्दों के कारण उसमें रही है, चर्चा में रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यात्रा हम बचपन से देखते आए हैं, हर साल बहुत सुकुशल यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा चलती थी, लेकिन इस साल जो यात्रा चलाई जा रही है ऐसा लग रहा है ऐसे बैरिकेडिंग लगा दिए जा रहे हैं जैसे हम चारधाम यात्रा ना करके कहीं पाकिस्तान जा रहे हो। इतने डॉक्यूमेंट्री हमें पूरे करने पड़ रहे हैं, जैसे वीज़ा लेना पड़ रहा है जाने के लिए। सरकार को अपनी ये नीतियाँ थोड़ी सही करनी पड़ेंगी और जो यात्री हजारों हजारों किलोमीटर। बरेली थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत रामगंगा नदी पर तीन बच्चियां नहाने गई और नहाते नहाते डूबने लगी। तीनों बच्चों को डूबता देख कुछ लोगों ने कोशिश की, एक बच्चे को तो बचा लिया गया, बाकी दो बच्ची काल के काल में समा गई। तीनों बच्चों में से दो बच्चियों को जीवित नहीं बचाया जा सका। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम गौतारा अंतर्गत तीन बच्चियां जो नदी में नहाने के लिए गई थी, जो रामगंगा नदी की जो ट्राइब्यूटरी है वहाँ से गुजरती है, तो वहीं पर जो दुर्घटना बस उसमें एक गहरा गड्ढा था, तीन बच्चियाँ डूबी। जो सभी के जो प्रयासों से एक बच्ची को बचा लिया गया है, दो बच्चियों की दुखद मृत्यु हुई है,
और जो बच्ची बचा ली गई है उसको तत्काल CHC खिरगा जो है भेजा गया है। मेरी जो है सभी अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को जो है गहरे जो नदी जल स्रोत है उनके पास ना जाने दें, जाएं तो केवल अपनी देखरेख में ही हो जाए। अलीगढ़ में जम्मू कश्मीर के अखनूर में कल को तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से बड़ी दुर्घटना हो गई। हादसे में करीब 22 यात्रियों की जान चली गई। इस बस में अलीगढ़ समेत हाथरस, मथुरा, भरतपुर के महिला बच्चों समेत 91 यात्री सवार थे, जिनमें अलीगढ़ जिले के नया गांव में एक ही परिवार की पति पत्नी, उनके दो बच्चे समेत 12 लोगों की जान चली गई। घटने के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। नया गांव के रहने वाले विपिन ने बताया कि हमारे गांव में 28 तारीख को करीब 47 लोग वैष्णो देवी की लिए जा रहे थे और दोपहर करीब 1 बजे मालूम पड़ा कि बस एक्सीडेंट होकर खाई में जा गई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। किसी ने माँ बाप खत्म हो गए, किसी के बेटा खत्म हो गया तो किसी के पिताजी खत्म हो गए। बड़े दुख की बात है। जहां एक तरफ टेम्परेचर पूरी तरह से 7वें आसमान पर है, तो वहीं 7वें चरण का कल मतदान होना है। आपको बता दें कुल 13 जिलों में कल चुनाव है, जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया समेत अन्य जिले भी शामिल हैं। ऐसे में चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। एक तरफ बढ़ते तापमान की वजह से लोगों की हालत खराब हो रखी है, ऐसे में चुनावी माहौल भी कुछ कम नहीं है। चाहे किसी भी जिले की बात करें तो वहीं चुनावी गर्मी काफी ज्यादा है। खासतौर से 2 हॉट सीट ऐसी हैं जिसमें पूरे प्रदेश की निगाहें टिकती हुई नजर आ रही है, जिसमें एक बनारस तो दूसरा गोरखपुर, क्योंकि बनारस से खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे गोरखपुर में जहां एक तरफ रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि यहां खुद योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट होगा। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाला समय यहां किसका होता है। महोबा में नकली नोटों का जखीरा मिलने से पुलिस हैरत में पड़ गई है। स्थानीय पुलिस और स्वाति टीम ने एक शातिर अभियुक्त 15 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद कर गोरखनंदे का पर्दाफाश कर दिया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने नकली नोट सहित नोट छापने की प्रिंटर, पेपर, इंक, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की है। आरोपी ने यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखा और 1 महीने में 15 लाख से ज्यादा के नोट छाप डाले। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।